अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मलिक खालिद है और आप देख रहे हैं टेक मलिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के हवाले से। जी हाँ, आज मैं भाइयों को एक अपडेट दूंगा इकामे टैक्स की, और दूसरी जो है कि सऊदी हुकूमत ने एक जायज़ा लिया है कि गैर मुल्की जो है सऊदी अरब क्यों छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी अपडेट जो है ये वाली है। तो मेरे भाइयों यार, आज किसी ने भी नहीं छोड़ना इस वीडियो को, सब ने इस वीडियो को लाइक कर देना है मेरे भाइयों। लाइक बिल्कुल फ्री में है यार, खाली आपने क्लिक कर देना है, क्योंकि मेरे भाइयों मैं आप भाइयों को डेली जो है न्यू बढ़िया बढ़िया अपडेट देता रहता हूं। दोस्तों जल्दी से यार लाइक कर दें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप फेसबुक पर जहाँ भी दिल करें उनको शेयर करें, उनको भी पता चल सके इसके बारे में। अगर आप न्यू आए हैं चैनल पर तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे भाइयों यहाँ पर जो है आप भाइयों को मिलेगी हर किस्म की जो है डेली न्यू अपडेट सऊदी अरब के रिलेटेड। तो जी हाँ मेरे भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसके बारे में कि सऊदी अरब से जो है गैर मुल्की क्यों जा रहे हैं। मुमालकत छोड़ने वाले गैर मुल्कियों की तादाद इतना ज़्यादा क्यों हो चुकी है। सऊदी बैंकों में इदारा आगाही के सेक्रेटरी जनरल तलत हाफिज ने दावा किया कि मुराफिकीन फीस की वजह से सऊदी अरब छोड़ने वाले गैर मुल्कियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जी हाँ मेरे भाइयों, जब से मुराफिकीन फीस लगाई गई है तब से जो है गैर मुल्की जितने भी हैं सऊदी हुकूमत को खैरबाद कहकर जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो मुराफिकीन फीस जो है इतना ज़्यादा है वो अदा नहीं कर पा रहे, इसलिए जो है उनकी तादाद ज़्यादा हो चुकी है, वो जा रहे हैं। मुराफिकीन फीस के बायस गैर मुल्की कसीर तादाद में सऊदी अरब को खैरबाद कहे गए हैं। सच्चाई वो ये जो महकमा पासपोर्ट ने बयान किए हैं। जी हाँ, असल सच्चाई जो अभी सामने आई है महकमा पासपोर्ट ने जारी की है। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि 5000 खरूज नहाई के वीज़े जारी किए गए, 5041 खरूज नहाई के वीज़े जारी किए गए, जबकि 30 लाख से ज़्यादा तारकीन ने खरूज वउदा के वीज़े हासिल किए हैं। 4000 नए इकामे जारी हुए हैं, 40 लाख तारकीन के इकामों में तौसी हुई है। ये अदाद व शुमार बता रहे हैं कि बेशतर तारकीन वतन की ममालकत से जाने से सऊदी इक्साद व मईशत पर मनफी असर नहीं पड़ेगा। फिर ने अर्रियाद अखबार में तहरीर किया है कि सऊदी अरब ने जो तारकीन फ़ीस मुकर्रर की है वो दुनिया भर में गैर मुल्कियों पर लगाई जाने वाली फ़ीस के मुकाबले में से कम नहीं, इसके लिए जो है गैर मुल्की ये छोड़कर जा रहे हैं। इलावा सऊदी अरब वो मुल्क है जो तारकीन के ममालकत आने पर तरसील जेर पर कोई टैक्स नहीं लेता। इन्होंने एतराफ़ किया कि तारकीन फ़ीस के बायस निजी इदारों और गैर मुल्कियों के बजट पर दबाव आया है, इनके खर्च में इजाफा हुआ है, लेकिन तारकीन फ़ीस इक्तसादी और माली असबाब के पेश नज़र मुकर्रर की गई है। सऊदी हुकूमत चाहती है कि निजी इदारे गैर मुल्कियों के मुकाबले में सऊदियों को तरजीह बुनियादों पर मुलाजिम रखें। तारकीन फ़ीस लगाने का मकसद गैर मुल्की मुलाजमीन की लागत को सऊदी मुलाजमीन के मुकाबले में बढ़ाना है। इसके नतीजे में बेरोज़गारी कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा शहरी सऊदी मुलाजमत हासिल कर सकेंगे। जी हाँ मेरे भाइयों, अभी ये भी चांस है कि मुराफिकीन फ़ीस को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि मेरे भाइयों बहुत सारे जो हैं मेरे भाई गैर मुल्की जो हैं वो सऊदी अरब छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि फ़ीस ज़्यादा है और काम उनको इतना नहीं है और इतनी सैलरी नहीं मिलती जितना उनको जो है ये फ़ीस अदा करनी पड़ती है। इसके अलावा मेरे भाई वो इकामे पर जो आपका टैक्स लगा हुआ है इसकी भी एक अपडेट दी है मोहम्मद बिन सलमान ने। उन्होंने ये वाज़े कहा है कि 2019 में जो है हम कोई नया टैक्स नहीं लगाने वाले। जी हाँ मेरे भाइयों, 2019 में जो है आप भाइयों पर कोई नया टैक्स नहीं लगने वाला, वही टैक्स आपको देना पड़ेगा जो 2018 में आपने दिया है। हो सकता है इससे थोड़ा कम कर दिया जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे भाइयों के यही सवालात थे कि यार इकामे पर कोई अपडेट आई है या नहीं आई। मेरे भाइयों, ये एक छोटी सी अपडेट आई है जो मैं आप भाइयों को दे रहा हूँ। 2019 में भी आपके ऊपर यही इकामे का टैक्स चलेगा जो अभी से लागू है 2018 में। 2019 में कोई भी आपसे ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा। हो सकता है मेरे भाइयों जनवरी में इसको भी टैक्स को भी थोड़ा कम कर दिया जाए और मुराफिकीन फ़ीस भी ख़त्म कर दी जाएगी इंशाल्लाह। तो इसके अलावा मेरे भाई जो भी फंसे हुए हैं वो भी अल्लाह से दुआ करें कि उनके लिए भी कोई सबब आ जाए 2019 में। जो कुछ भी होगा मेरे भाई 2019 में
कि पहले महीने में जनवरी में आप भाइयों को पता चल जाएगा कि टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और इकामे की टैक्स फ़ीस जो है और कितनी माफ़ की जा रही है, टैक्स जो है कितना ख़त्म किया जा रहा है। और नया टैक्स जो है मेरे भाइयों, उन्होंने यहाँ पर वाज़े कहा है कि हम जो है नया टैक्स कोई भी नहीं लगाने वाले इकामे पर। तो जी हाँ मेरे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।